हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाडेप के बारे में कि नाडेप कैसे बनाया जाता है, उसका एस्टीमेशन कैसे बनाया जाता है, उसकी एमबी कैसे की जाती है मेजरमेंट बुक, और उसको किस तरीके से बनाया जाता है, 9 इंची की दीवार के साथ बनाया जाता है या 4 इंची की दीवार के साथ बनाया जाता है, और कैसे बनाया जाता है, उसकी मेजरमेंट क्या क्या होती हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और एस्टीमेशन कैसे बनाया जाता है सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं कि एस्टीमेशन की मेजरमेंट क्या क्या होती है, कैसे बनाया जाता है और कितने रुपए का ये नाडेप तैयार होता है। हर ग्राम पंचायत के लिए नाडेप बहुत आवश्यक है और ज़्यादातर हर ग्राम पंचायत में ये नाडेप बनाए जा रहे हैं। तो इसको किस तरीके से बनाया जाता है, हर ग्राम प्रधान को पता होना चाहिए, सचिव को पता होना चाहिए, और जो कंसल्टेंसी इंजीनियर हैं उनको भी सबको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये बनाए जाते हैं और इसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है और उसका एस्टीमेशन कैसे तैयार करते हैं, तो उसके ऊपर आज चर्चा होगी। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो जैसे कि हम स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो अब देखते हैं, पहले एस्टीमेट खोलेंगे हम नाडेप का। सबसे पहले ये रहा हमारा नाडेप का एस्टीमेट, इसको एक्सेल शीट में हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद तो सबसे पहले हमारा फ्रंट पेज आएगा, जो हम फ्रंट पेज को फिल करेंगे। जैसे कि अगर किसी को फ्रंट पेज नहीं बनाना आता तो वो फ्रंट पेज बना सकता है इस तरीके से, जैसे कि हमने बना रखा है कि यहाँ पर विस्तृत प्राकलन लिख लेंगे। उसके बाद योजना का नाम और स्वच्छ भारत मिशन फेज टू के अंदर आता है ये, इस तरीके से लिख लेंगे। फिर ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगे, फिर विकास खंड लिख लेंगे कि कहाँ से आप, कौन सा विकास खंड है आपका। फिर उसके बाद कार्य का नाम लिखेंगे कि किस ग्राम पंचायत में ये सामुदायिक नाडेप पिट बन रहे हैं। उसके बाद नाडेप संख्या हम लिख लेंगे कि कितनी लिखनी है हमें, 5, 7, 8, 9, 10 जितनी भी लिखनी होगी। और उसके बाद हम वर्ष लिख लेंगे कि कौन से वर्ष में ये बन रहे हैं। उसके बाद ये अनुमानित लागत हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं इसके फ्रंट पेज पर, और फिर उसके बाद यहाँ नाम लिख देते हैं जिसके हमें सिग्नेचर कराने होते हैं। जैसे कि हमने ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान का नाम लिखा हुआ है और ग्राम सचिव का नाम लिखा हुआ और इंजीनियर का नाम लिखा हुआ है। तो अब चलते हैं फिर इसके दूसरे पेज पर, जो डिटेल ऑफ मेजरमेंट होती है हमारी। देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है डिटेल ऑफ मेजरमेंट, तो उसके बाद नीचे हमारा कार्य का नाम लिखा हुआ होता है, जो हमारा फ्रंट पेज से ही हम इसको कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद ये इस तरीके की ये शीट होती है, एक्सेल शीट होती है, इसमें ही हम एस्टीमेट इसको तैयार करते हैं। जैसे कि हमने पहले आइटम ऑफ वर्क के एक रो होती है जो कि हम इसमें आइटम लिखते हैं, और फिर उसके बाद इसमें यूनिट होती हैं ये सारी, फिर उसके बाद ये नंबर होते हैं, फिर ये लेंथ, विड्थ और ये हाइट होती है, ये क्वांटिटी आ जाती है हमारी इस रो में। फिर उसके बाद ये रेट होते हैं हर आइटम के। फिर उसके बाद अमाउंट होता है, अमाउंट हमारा कि किस कौन सा आइटम कितने कितने रुपए का आया है। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला ये आइटम हमारा होता है एक्सकेवेशन। तो सबसे पहले हम जो उसका नाडेप के हम फाउंडेशन खोदेंगे, चारों तरफ की दीवार जो हमारी, सबसे चारों तरफ की दीवार होंगी हमारी 9 इंची की, तो उसके लिए हम एक्सकेवेशन मतलब खुदाई करेंगे चारों दीवार की। तो उसके लिए हम खुदाई करने के लिए पहले हमारी लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के आधार पर हम इसको एस्टीमेट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका नाडेप का साइज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसका साइज़ क्या होता है। तो साइज़ हम यहाँ लिख लेंगे, इसका साइज़ होता है 12 फिट और 5 फिट इंटू 3 फिट। तो ये कैसे है, जो लंबाई है हमारी वो 12 फिट है और जो चौड़ाई है हमारी वो 5 फिट है और जो हमारी गहराई है वो 3 फिट है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये होगा मीटर में 3.60 मीटर और ये 1.50 मीटर और ये होगा 0.90 मीटर। ठीक है गाइज, तो ये हमने इसकी डायमेंशन को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद फिर हम इसकी एक्सकेवेशन कैसे करेंगे कि जो ये हमारी लॉन्ग वॉल होगी
इस लॉन्ग वॉल को हम पहले खुदाई करेंगे इस लॉन्ग वॉल की, जो कि हमारी इसकी लंबाई है 12 फिट, जो मीटर में है हमारी 3.60 मीटर, ठीक है। फिर इसके इधर की भी जो लॉन्ग वॉल होगी सामने की, इसकी भी हम खुदाई कर लेंगे ऐसे न्यू, जो इसकी लंबाई है 3.60 मीटर। फिर उसके बाद जो हमारी ये शॉर्ट वॉल होगी उसकी खुदाई करेंगे हम यहाँ से ये यूँ, जो इसकी बाहर से बाहर 1.50 मीटर होगी यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो इसके सामने वाली भी दीवार हम इसकी खुदाई करेंगे, एक्सकेवेशन कर लेंगे, इस ये भी क्या होगी 1.50 मीटर, ठीक है। अब इसकी ये जो चौड़ाई है ये कितनी रखनी है हमें खुदाई करने के लिए, तो ये रखनी है हमें 1 फिट, जो मीटर में होती है 0.30 मीटर, ठीक है गाइस। ये भी हमें 0.30 मीटर रखनी है जो इसकी खुदाई करनी है, ठीक है गाइस। तो उसके बाद ये हम जब खोद लेंगे और इसकी गहराई कितनी होगी हमारे खुदाई करने के लिए, जो इसकी फाउंडेशन हम खुदाई करेंगे जैसे यूँ, तो ये सेक्शन है ये जैसे 0.30, ये तो इसकी चौड़ाई होगी फाउंडेशन की, और ये भी 0.30 मीटर, ये भी हमारी क्या होगी गहराई होगी ज़मीन में खुदाई करने के लिए, ठीक है गाइस। ये इतनी हम खुदाई कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसकी दीवार जो ब्रिक वर्क करेंगे, उस ब्रिक वर्क को चारों तरफ का ब्रिक वर्क 9 इंची की दीवार में किया जाएगा इस तरीके से। ऐसे हम इस दीवार को बना लेते हैं पहले, ऐसे ये ब्रिक वर्क का डिज़ाइन है इस तरीके से। जो इसकी गहराई होगी वो 0.90 मीटर होगी विद एक्सकेवेशन, ठीक है गाइस। ऐसे ये चारों तरफ की दीवार होगी और ये इसकी लंबाई होगी जो हमने बताया था 3.60 ऐसे, और ये 9 इंची की दीवार होगी, ऐसे 3D में बना देते हैं हम इसको। ये होगी 0.23 का मतलब होता है 9 इंची की दीवार, ये जो हमारी चौड़ाई होगी दीवार की ये हमारी 0.23 होगी, और इसकी ऊंचाई होगी 3 फिट, जो मीटर में 0.90 होता है, और इसकी लंबाई होगी 3.60, ठीक है गाइस। तो हम इसे समझ लेते हैं पहले डायग्राम को कि ये वाली लंबाई चिनाई करेंगे हम, फिर इस वाली लंबाई में चिनाई करेंगे 3 फिट की, फिर इस लंबाई में चिनाई करेंगे इस लंबाई में, तो ये चौकोर ऊपर को आ जाएगा, जो इसके एक हौदी टाइप में एक बॉक्स टाइप में बन जाएगा। अब चलते हैं एस्टीमेशन, जो एस्टीमेट बना रहे हैं उसकी मेजरमेंट कैसे फिल करते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, ओके। इन पर आ चुके हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि हम सबसे पहले खुदाई की लंबाई निकालेंगे, तो खुदाई की लंबाई निकालने के लिए हमें 3.67 यहाँ दिख रहा होगा, तो ये 3.67 ये कैसे आया कि हम पहले 12 फिट जो 3.60 में से जो हम पहले ये जो इसकी मिड लेंथ निकालेंगे, सेंटर लाइन निकालेंगे, तो सेंटर लाइन निकालने के लिए हमें 9 इंची घटानी होगी, तो ये 3.37 आएगा। फिर उसके बाद इसकी लंबाई निकालने के लिए हमें खुदाई के लिए, तो इसमें क्या करना होता है, जो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड होता है इसमें हम जो सेंटर लाइन आई है हमारी 3.37, इसमें हम ऐड करेंगे 0.3 को, तो हमारी ये लेंथ निकल आएगी, तो 2 की मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारी दो लॉन्ग वॉल हैं, तो इसमें 2 लॉन्ग वॉल की मल्टीप्लाई 2 × इतनी लंबाई आ जाएगी, और इसकी चौड़ाई जो रहेगी वो 0.3 रहेगी, फिर उसकी गहराई आ जाएगी 0.3, ओके। फिर हमारी शॉर्ट वॉल हैं 2, तो शॉर्ट वॉल हमारी 2 हो गई। फिर उसके बाद जो मेथड के अकॉर्डिंग हम इसकी सेंटर लाइन निकालेंगे, जो हमारी वॉल टू वॉल जो लंबाई है वो है 1.5, उसमें से माइनस करेंगे 0.23, ठीक है गाइस। 0.23 माइनस करने के बाद फिर हमारा ये बचा जो 1.27,
तो इसको हम फिर उसकी लंबाई निकालने के लिए इसमें से जो हम 0.3 है इसको माइनस करेंगे, 1.27 में से हम 0.3 को माइनस करेंगे तो ये हमारी लंबाई आ जाएगी खुदाई की, ठीक है, ये चौड़ाई और गहराई हो जाएगी। तो ये क्वांटिटी इसकी तीनों की मल्टीप्लाई करके ये इसकी क्वांटिटी आ गई। फिर उसके बाद ये ऐड कर देंगे हम दोनों क्वांटिटी को, ठीक है, इसका रेट लगा देंगे 110 रुपये, तो इसका ये अमाउंट आ जाएगा खुदाई का, ठीक है, 91 रुपये 30 पैसे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, खुदाई के बाद हम नीचे उसके 1 छबारे बिछाएंगे, जो 1 छबारे की मेजरमेंट कैसे निकालेंगे कि दो वॉल हैं, दो वॉल की मल्टीप्लाई के लिए हम 2 इंटू, जैसे कि जो ऊपर एज इट इज जो लंबाई आई हमारी वही ले लेंगे, फिर उसके बाद चौड़ाई जो रहेगी 1 फिट की वही रखेंगे, फिर 6 इंची के हम 1 छबारे कॉन्क्रीट बिछा देंगे। ऐसी छोटी वाली जो शॉर्ट वॉल है उसके नीचे भी हम ऐसे ही एज इट इज करेंगे, इसकी क्वांटिटी आ जाएगी, उसका रेट लगा देंगे 4000, उसके बाद 1680 रुपये हमारा ये रेट आ जाएगा। फिर उसके बाद हम चिनाई करेंगे, ब्रिक वर्क, जो ब्रिक वर्क करेंगे हम ऊपर, तो ऐसे जो हमारी जो सेंटर लाइन आई जो 3.37 में हम ऐड करेंगे 0.23, जो हमारी 3.60 लंबाई आ जाएगी। इससे ये पता लगता है कि हमारी ये सेंटर लाइन सही है, क्योंकि हमारी जो बाहर से बाहर जो आउटर वॉल थी वो 3.60 ही है, जो हमारी 9 इंची की दीवार रहेगी। 9 इंची दीवार करने के लिए हम 0.23 की मल्टीप्लाई करते हैं, जो 0.9 जो हमारी गहराई रहेगी ब्रिक वर्क की वो 0.9 रहेगी, जिससे कि हमारी ये क्वांटिटी आ गई। फिर सॉल्ट वॉल की भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे, तो ये टोटल क्वांटिटी आ गई। जो ये माइनस किया हुआ है हमने, ये हनीकॉम के लिए माइनस करें, जो दीवार में छेद छेद कुछ छेद रखेंगे उनके लिए हम ये कुछ 10% या 15% घटा देते हैं इसको। इसके बाद फिर हमारी ये टोटल क्वांटिटी आ जाती है, उसके बाद ये हमारा ब्रिक वर्क का रेट है, उसके बाद ये हमारा अमाउंट आ जाएगा कि 11,415 रुपये का हमारा ब्रिक वर्क हुआ। उसके बाद हमारा दोनों तरफ प्लास्टर होगा, बाहर बाहर, अंदर करने की ज़रूरत नहीं है, करने को कर सकते हो आप, नहीं तो नहीं कर सकते। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई जो हम बाहर की होगी वो दोनों तरफ, ये 2 की मल्टीप्लाई हमने इसलिए कर रखी है क्योंकि दोनों तरफ की 2 दीवारों की होगी, तो इसलिए 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी, और गहराई 0.9 रहेगी, ठीक है गाइस। तो इसका प्लास्टर का भी हम इस तरीके से स्क्वायर मीटर में इसकी क्वांटिटी निकाल लेंगे, और उसके बाद 200 की मल्टीप्लाई करके इसका रेट निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम टॉप पर इसके PCC डालेंगे, जो टॉप होगा ब्रिक वर्क का, उस पर DPC टाइप में एक PCC वर्क किया जाएगा 1, 2, 4 का, जो हम इसकी लंबाई पर पूरी चौड़ाई 9 इंची की चौड़ाई में 2 इंची की DPC डालेंगे। तो इसकी क्वांटिटी 0.11 और उसकी रेट का मल्टीप्लाई करके 775 रुपये रेट आ गया। उसके बाद हम इन सब रेटों को हम टोटल कर देंगे, जो 15,798.16 आया, ये हमारा एक नाडेप, 1 यूनिट नाडेप का पूरा अमाउंट आ गया। और अब जितने भी नाडेप बनाए जाएं ग्राम पंचायत में, तो उसकी मल्टीप्लाई हम इसमें, जैसे कि हमने 5 की मल्टीप्लाई की हुई है कि 5 नाडेप बने, तो उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करके इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ देखा हुआ है। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट शीट पर, जो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट बिल ऑफ क्वांटिटी कहलाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से, जो हमारी पीछे क्वांटिटी आई हुई है उनको सबको यहाँ पर मेंशन कर देंगे, उनका दोबारा यहाँ रेट लगा देंगे, ऐसे ही यहाँ अमाउंट आ जाएगा। ये 1 यूनिट नाडेप का अमाउंट है। फिर उसके बाद यहाँ 5 नाडेप बनाए हैं, तो हमने 5 की मल्टीप्लाई कर दी, जो इसका टोटल आ गया, ये विदाउट GST है। फिर हम नेक्स्ट समरी ऑफ कॉस्ट पे चलते हैं। ये है समरी ऑफ कॉस्ट, जो आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर हमारा जो 5 टोटल नाडेप का अमाउंट आया, उस अमाउंट को हम यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके बाद इस पर 18% GST लगाएंगे, 18% हमारी 14,218 रुपये की GST लग चुकी, इसका हम दोनों का टोटल कर देंगे, टोटल हो गया 93,209 रुपये। फिर उसके बाद हम कंसल्टेंसी चार्ज लगाएंगे, अगर आप कंसल्टेंसी इंजीनियर हो तो आप अपना चार्ज लगा सकते हो 2%, 1% MB का और 1% एस्टिमेट का। तो हम इस अमाउंट को 2% चार्ज किस पर लगाएंगे, हम इस जो एक नंबर पर अमाउंट है ये, इस पर हम चार्ज लगाएंगे, इसका हमारा 2% ये चार्ज लग गया। फिर उसके बाद हम इन दोनों को 93,209 रुपये और एक जो ये 2% चार्ज है, इन दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हमारा 94,788 रुपये हमारा आ गया, और अप्रोक्स 95,000 रुपये हमारा ये नाडेप, 5 नाडेप का अमाउंट बैठता है।
तो गाइस अगर किसी को कोई इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय।